मैं आपके सामने फिर से शुरू करने जा रहा हूँ अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं दीपक वर्मा जीएस फैकल्टी आपके सामने आज बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन जिसको बीमारियां कहते हैं आपके सामने रखूंगा। इसके पहले हमने पोषक पदार्थों के ऊपर बहुत सारे विशेष चर्चाएं की और पोषक पदार्थों का एक अच्छा नोट्स आपको प्राप्त हो गया। अब जो जीएस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग बीमारियों के नाम से जानते हैं, आए दिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है बीमारियों से पूछे जाते हैं और इस समय बीमारियों का दौर भी चल रहा है, यानी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, कोविड-19 का दौर चल रहा है। ये सारी बीमारियां जो है आप आज के सेक्शंस में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बीमारियां। तो देखिए जो बीमारियां हैं, बीमारियों में सबसे पहले बीमारियों को हम लोग कहते हैं डिजीजेस। क्या कहते हैं दोस्तों? डिजीजेस। अगर डिजीजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक को हम लोग कहते हैं डिस और दूसरे को हम लोग कहते हैं ईज। ईज का मतलब होता है कंफर्ट। क्या होता है दोस्तों? कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब आराम। और डिस का मतलब, डिस एक निगेटिव टर्म्स है। क्या है दोस्तों? डिस एक निगेटिव टर्म्स है, यानी आपके शरीर के आराम की स्थिति या शरीर में किसी भी प्रकार की बेचैनी की स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं। तो आज इसी को हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में कि बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं और किन किन बीमारियों से किस किस तरह की बीमारियां जो है मनुष्य को होती है या जीव जंतुओं में होती है, किस किस तरह की बीमारियां, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डिजीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो तरह की बीमारियां होती हैं। पहली जो बीमारी की पहली अवस्था है इसको हम लोग कहते हैं जन्मजात बीमारियां, ठीक है। यानी इंग्लिश में इसको कंटेजियस डिजीज। और जो दूसरी है इसको हम लोग कहते हैं जन्म के बाद होने वाली बीमारी, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉन कंटेजियस कहते हैं या आफ्टर द बर्थ बीमारी डिजीज कहते हैं, यानी कि नॉन कंटेजियस डिजीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके और क्या क्या सेगमेंट हो सकते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे जन्मजात बीमारियां हैं, ये बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक साधारण जन्मजात बीमारियां होती हैं, एक बीमारी जो जन्मजात बीमारी होती है वो साधारण होती है, कॉमन कंटेजियस डिजीज होती है, कॉमन बर्थ गिविंग डिजीज होती है कॉमन। तो ये जो कॉमन यानी साधारण जन्मजात बीमारी है वो जन्मजात बीमारी किस तरह की है, जैसे एक ऐसी बीमारी का मैं चर्चा करने जा रहा हूं जिसके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे, जिसको आप लोग कहते हैं विदर्ण तालु। क्या कहते हैं? विदर्ण तालु, यानी कि क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। यानी आप देखेंगे जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो है तालु जो है अंदर से ऐसे फटा होता है, उसको हम लोग कहते हैं विदर्ण तालु या विदर्ण तालु बीमारी, ठीक है। जो दूसरा इसमें बीमारी होता है इसको हम लोग कहते हैं विदर्ण होट, यानी कि लिप पैलेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बीमारी है विदर्ण होट। बच्चा जन्म लेता है उसका होट बीच से फटा होता है। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसको स्माइल पिंकी के नाम से जाना जाता है। कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनी थी जिसको स्माइल पिंकी के नाम से जाना जाता था, वो इसी तरह की बीमारी है, ठीक है। अच्छा, जो तीसरा बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं पाओ का फीरा होना, यानी कि क्लब फुट के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये साधारण तीन तरह की बीमारियां जिसके बारे में हमने चर्चा की। जन्मजात बीमारियों में कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो अनुवांशिक होती हैं, यानी आपको आपके पीढ़ी आपके पूर्वजों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जो है स्थानांतरित होती रही है, उन बीमारियों को जो है हम लोग कहते हैं जन्मजात अनुवांशिक बीमारी। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से जन्मजात अनुवांशिक बीमारियां हैं। तो पहली जो जन्मजात अनुवांशिक बीमारियां है उसके बारे में बीमारी है उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। जैसे आपने नाम सुना होगा हीमोफीलिया
सीलिया, ठीक है, ये पहली बीमारी है जो जन्मजात बीमारी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो बीमारी है इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। कहा यह जाता है कि महारानी विक्टोरिया को जो है सबसे पहले ये बीमारी जो है महारानी विक्टोरिया को हुई थी, महारानी ब्रिटेन की क्वीन जो है महारानी विक्टोरिया, तो इसलिए इसको इस बीमारी को जो है हम लोग रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या होता है इस बीमारी के अंदर, आगे इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब इस टॉपिक को जो है हम और आगे बढ़ाएंगे, तो इस बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन जो दूसरी जन्मजात बीमारी है उसको हम लोग कहते हैं वर्णांधता, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, इसको वर्णांधता के नाम से जानते हैं। कभी आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जिनको जो है लाल रंग और हरे रंग में भेद कर पाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी लाल रंग और हरा रंग वो पहचान नहीं सकते और सारे रंगों के ऊपर जो है उनकी अपनी वो और सारे रंग को आसानी से पहचान सकते हैं लेकिन लाल और हरे रंग को जो है पहचान नहीं पाते हैं। तो टॉपिक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये भी एक जो है किस तरह की बीमारी है, वर्णांधता भी एक तरह की जो है अनुवांशिक बीमारी है। तीसरी बीमारी जो है इसी से संबंधित टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ये महिलाओं में होने वाली बीमारी है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चौथा बीमारी जो है इसको हम लोग क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, कि क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यहां पर हम आपको क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये कुछ इसी तरह टर्नर सिंड्रोम तरह की बीमारी है लेकिन पुरुषों में होने वाली, या एक ये भी कह सकते हैं पुरुष नपुंसकता ये बीमारी जो है कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है जो अनुवांशिक बीमारियां हैं जिसके बारे में, अभी अनुवांशिक बीमारियों में जो है आज के डेट में जो है मधुमेह यानी कि डायबिटीज को भी रखा गया है, मधुमेह यानी डायबिटीज, डायबिटीज को भी रखा गया है। मधुमेह बीमारी भी जो है एक तरह की जो है अनुवांशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पूर्वजों से आपके अंदर या आपके बाद जो है आपके पीढ़ियों के अंदर जो है ये बीमारियां दिखेंगी, इसलिए इनको जो है अनुवांशिक बीमारियों की श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जन्मजात बीमारियां दो सेक्शन में डिवाइड हो जाती हैं, पहले को हम लोग साधारण कहते हैं और दूसरे को जो है अनुवांशिक कहते हैं। यहाँ पर हम अनुवांशिक लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, अनुवांशिक बीमारी, अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। अच्छा, अब ये अनुवांशिक बीमारी यानी कि हेरिडेटरी डिजीज, हेरिडेटरी डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये अनुवांशिक बीमारी के ये अलग अलग है, जैसे हीमोफीलिया हुआ, वर्णांधता हुआ, टर्नर सिंड्रोम हुआ, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम हुआ और मधुमेह हुआ। इसी तरह ही साधारण जो है जो साधारण कंटेजियस डिजीज यानी कि जन्मजात बीमारी है उसमें विदर्ण तालु यानी क्लेफ्ट पैलेट, विदर्ण होट यानी कि लीक पैलेट और पांव का फीला होना यानी क्लफ्ट फुट, अदर तरह की बीमारियां जो है ये साधारण जो है जन्मजात बीमारियों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो दूसरी बीमारी है जन्म के बाद होने वाली है, ऑब्वियसली जन्म के बाद जो बीमारियां होती है वो आपके शारीरिक अक्षमता के कारण जो है होती है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी अगर हो जा रही है तो उससे जो है तमाम जो है वायुमंडल में उपस्थित जितने बैक्टीरिया है, वायरस है, या आप ये कह सकते हैं कि जितने सूक्ष्म जीव है वो जो है तरह तरह की बीमारियां जो है आपके शरीर के अंदर उत्पन्न करते हैं, तो उस तरह की बीमारियों को हम लोग कहते हैं संक्रमित बीमारी। आज के डेट में जो कोविड-19 नामक संक्रमित बीमारी है यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, ऐसे जो है संक्रमण की तरफ फैल रहा है, ये एक वायरस के कारण है जिसको हम लोग जो है कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। बीमारी का नाम है कोविड-19 और कोरोना वायरस जो है जो इस संक्रमण के लिए जो है क्या है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं जो इस संक्रमित बीमारी को फैलाने का काम करते हैं, तो ये जन्म के बाद जो होने वाली बीमारियां होती है वो दो भागों में फिर से विभाजित हो जाती हैं। पहले को हम लोग कहते हैं संक्रमित, संक्रमित बीमारी, संक्रमित बीमारी यानी कि इंफेक्शियस डिजीज, इंफेक्शियस डिजीज, और जो दूसरा है इसको असंक्रमित बीमारी, असंक्रमित, असंक्रमित मित बीमारी यानी नॉन इंफेक्शियस डिजीज।
नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये जो बीमारी है यानी जन्म के बाद होने वाली बीमारियां दो भागों में विभाजित होती है, एक वो जो संक्रमण के कारण होती है और जो दूसरी वो है जो असंक्रमण यानी बिना संक्रमण से होती है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर किसी संक्रमण के कारण नहीं होता है। जैसे मधुमेह है, मधुमेह को असंक्रमित बीमारी के रूप में भी देखा जाता है। जैसे कैंसर है, ल्यूकेमिया है, इस तरह की जो बीमारियां हैं जैसे गठिया है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब जो है किसी न किसी मिनरल्स या किसी न किसी पोषक पदार्थ की कमी के कारण होती है, मेल न्यूट्रिशन के कारण होती है, न कि किसी संक्रमण के कारण होती है। तो इस तरह से ये बीमारियां जो है, बीमारियों का जो है मैंने आपके सामने क्लासिफिकेशन रखा। अब हम इन दोनों के बारे में जो है थोड़ा सा डिटेल में, जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जो है ये बीमारियों का फैलाव होता किस लिए है या ऐसे कौन से कारक हैं जो संक्रमण फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अगर आप छोटी कक्षाओं में देखेंगे, एनसीईआरटी की किताबों में आपको दिया है, संक्रमण फैलता कैसे है। संक्रमण जो है सूक्ष्म जीवों के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के कारण। किसके कारण फैलता है दोस्तों? सूक्ष्म जीवों के कारण यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फैलता है। अब ये सूक्ष्म जीव होते हैं कौन कौन से? जैसे पहला सूक्ष्म जीव जो है जिसकी बात हम कर रहे हैं, बैक्टीरिया। कौन सा है? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक है। दूसरा सूक्ष्म जीव है वायरस यानी कि विषाणु, ठीक है। तीसरा सूक्ष्म जीव फंगस यानी फंगस या इसी को फंजाई भी कहते हैं, फंजाई यानी कि कवक, ठीक है, कवक कहते हैं, ठीक है, या फफूंद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फफूंद के नाम से। ये दो नामों से जाना जाता है, फफूंद के नाम से जाना जाता है या फिर कवक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आइए तीसरा जो है, चौथा जो है प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी, प्रोटोजोआ यानी परजीवी, ठीक है। इसके कारण भी जो है बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां परजीवियों के कारण भी होती हैं। पांचवा जो है, ये चौथा था, और पांचवा जो है प्लेटीहेल्मिंथिस, ये भी एक तरह का जो है सूक्ष्म जीव होता है, प्लेटीहेल्मिंथिस या सिर्फ हेल्मेंथस लिखा जाता है, ठीक है। ये भी एक तरह का सूक्ष्म जीव है जिसके कारण तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिंथिस, इनके द्वारा जो होने वाली बीमारियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बीमारी हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो परजीवी के कारण होने वाला रोग यानी प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। एक चार्ट के रूप में भी आपको प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम बताएं किसकी शुरुआत कैसे होती है, तो आइए देखते हैं। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग किसी कारण दोस्तों? प्रोटोजोआ यानी परजीवी के कारण होने वाला रोग, परजीवी के कारण होने वाला। बहुत सारे रोग होते हैं जो परजीवियों के कारण होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, सबसे पहला आपने नाम भी सुना होगा मलेरिया। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है, जिसका कारक जो है प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये संक्रमण कैसे फैलाता है, संक्रमण फैलाने का तरीका इसका क्या है? तो देखिए, संक्रमण ये फैलाता है एक विशेष प्रकार का मादा मच्छर जिसका नाम है फीमेल एनोफिलिस मच्छर यानी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। कौन सा? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज इसके द्वारा, फीमेल एनोफिलिस मादा एनोफिलिस मच्छर के द्वारा ये संक्रमण फैलाता है। कौन फैलाता है? फीमेल एनोफिलिस मच्छर यानी मादा एनोफिलिस मच्छर जो है ये अपने साथ कौन सा प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम
ये एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है यही जो है मलेरिया नामक बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सी बीमारी के लिए दोस्तों? तो मलेरिया नामक बीमारी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल, मलेरिया नामक बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल यही यही जो है सूक्ष्मजीव होता है। अब ये करता क्या है, कैसे ये मलेरिया जो है मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कहलाता है? तो आपको पता है ये जो है प्रोटोजोआ जो है आपके ब्लड में जो है घुसकर जब मच्छर को काटेगा, फीमेल एनोफिलीज मच्छर काटेगा, तो ये जो है प्लाज्मोडियम उस मच्छर के द्वारा जो है आपके ब्लड में जो है इनक्यूलेट हो जाएगा, आपके ब्लड के अंदर घुस जाएगा और फिर जो है ये आपके रेड ब्लड सेल्स काउंट को कम करने लगता है। क्या करने लगता है? आरबीसीज को, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स काउंट को क्या करने लगता है? धीरे धीरे कम करने लगता है, गिराने लगता है। जिसका सिम्टम यह है कि आपको जो है ठंड के साथ कपकपी के साथ बुखार महसूस होगा और यही इसका सबसे बड़ा सिम्टम है। तो मलेरिया जो है एक ऐसी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। याद रखिए दोस्तों, ये जो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होने वाली जो बीमारी है मलेरिया, ये सबसे पहले 1887 में रोनाल्ड रॉस, किसने दोस्तों? रोनाल्ड रॉस ने जो है इसकी खोज की थी और उसी ने नाम दिया था इसको मलेरिया। याद रखिएगा, इस मलेरिया की खोज, मलेरिया नामक बीमारी की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था और साथ में इन्होंने ही जो है इसके लिए जो है एक वैक्सीन का भी निजात किया, जो आपने आप जानते भी होंगे एक सिंकोना ब्रिज होता है। सिंकोना ब्रिज, ये सिंकोना ब्रिज जो है सामान्यतः, ये सिंकोना ब्रिज सामान्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्षों वनों में पाया जाता है। सिंकोना ब्रिज इसी के छाल से, क्या दोस्तों? इसी के छाल से एक दवा बनाई जाती है जिसको हम लोग क्विनीन कहते हैं। क्विनीन या कुनैन, हिंदी में कुनैन के नाम से जाना जाता है। अभी कुछ दिन पहले ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, क्लोरोक्विनैन, क्विनैन, क्लोरोक्विनैन, पेलोट्रीन, ये सब जो है सिंकोना ब्रिज के छाल से बनने वाला मच्छर के लिए दवा है, आई मीन मलेरिया के लिए जो दवा तैयार किया जाता है। इसका उपयोग अभी कुछ दिन पहले COVID-19 के उपचार में भी जो है किया गया था। भारत ने अमेरिका को एक बड़े पैमाने पर इसकी सप्लाई भी की थी और डिमांड्स भी इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। 1887 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो अब ये जो है ये जो है बीमारी यानी कि मलेरिया जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होती है। अब दूसरी बीमारी के बारे में हम लोग जरा चर्चा कर लें, एक और बीमारी है या फिर हम एक चार्ट के रूप में आपको उस बीमारी के बारे में सारी बीमारियों के बारे में बता देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप चार्ट का, ये चार्ट, इस चार्ट के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि कितने तरह के संक्रमण के द्वारा होने वाली बीमारियां हो सकती हैं, वो कौन सी बीमारियां जो संक्रमण के द्वारा होती है, वो भी किस संक्रमण के द्वारा? प्रोटोजोआ के संक्रमण के द्वारा। यहाँ पर हम प्रोटोजोआ के संक्रमण के द्वारा होने वाली जो बीमारियां हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ के संक्रमण के कारण होने वाले बीमारियां जो है वो इसके बारे में इस चार्ट से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे इस चार्ट में हम लोग चार चीजों को लिए हैं, जैसे पहला है रोग, मतलब रोग कौन सा है, दूसरा है कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है, इनके अफेक्टेड ऑर्गन्स, ठीक है, परजीवी और वाहक का नाम, यहाँ पर परजीवी का नाम भी है और साथ में वो वाहक जिसके द्वारा परजीवी एक जगह से दूसरे जगह जाता है यानी संक्रमण करने का काम करता है। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट है उसको हम लोग सिम्टम यानी कि लक्षण रखें। ठीक है, सबसे पहले रोग में देखिए पायरिया, पायरिया की बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आपको पायरिया के बारे में पता है। पायरिया जो है होने से दांत के नीचे जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं और उसमें से पस और ब्लड बाहर आने लगता है। तो मसूड़े ये प्रभावित अंग में हम लोग लिखेंगे मसूड़े। और कौन सा परजीवी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा परजीवी इसके लिए जिम्मेदार होता है, तो वो है एंट अमीबा जिंजिविलिस। कौन सा परजीवी है दोस्तों? एंट अमीबा जिंजिविलिस, हमने यहाँ पर लिखा है एंट अमीबा जिंजिविलिस। और साथ में वो वाहक जिसके द्वारा ये परजीवी एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो है दूषित जल यानी कि कंटामिनेटेड वाटर यानी अनफ्रेश वाटर। दूषित जल जो है वो इस परजीवी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। मैं आपको बता दूं जितने अमीबा तरह के जितने भी परजीवी होते हैं वो ज्यादातर जो है दूषित जल में ही पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इसका सिम्टम क्या है? सिम्टम है मसूड़ों से रक्त आना यानी कि ब्लीडिंग बाई गम्स।
लंग्स के द्वारा जो है ब्लीडिंग होती है, ये इसकी सिम्टम है, ये इसकी पहचान है। दूसरी बीमारी जो है जिसको हम लोग सोने की बीमारी कहते हैं, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो है ये होता कहां पे है, किस शरीर के किस हिस्से में या अंग के किस हिस्से में होता है, तो वो है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। ब्रेन में जो है स्लीपिंग सिकनेस होता है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें जिसमें जो भी व्यक्ति है वो क्या होता है, खड़े खड़े भी रहेगा तभी भी उसको नींद आएगा, कहीं खड़ा रहेगा कहीं बैठा रहेगा चलता रहेगा उसको नींद आएगी, नींद की फीलिंग आएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। संबंधित कौन से अंग से होता है, तो वो है ब्रेन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये कौन सा परजीवी इसके इसको जो है प्रभावित करता है, तो वो है ट्राइकोनोसोमा। ट्राइकोनोसोमा परजीवी जो है इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। और कौन सा वाहक होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है सीसी मक्खी, यानी कि अब देखिए यहाँ पे टीएससी और टीएससी मैंने लिखा है, जापानीज टर्म्स यूज किया गया है। सीसी जो है ये बीमारी जो ज्यादातर जो है स्लीपिंग सिकनेस बीमारी जो है सबसे पहले और ज्यादातर जो है जापान में देखी जाती है, इसीलिए इस बीमारी को जो है स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। और इस वाहक जो है इस मक्खी का नाम जो है सीसी मक्खी रखा गया है। अगला जो है इसका सिम्टम जो है बार बार नींद आना और साथ में बुखार, यानी बुखार अंदर से जो है बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ा रहेगा और साथ में नींद भी आएगी। अगला जो बीमारी है उसको हम लोग कहेंगे काला जार, यानी कि ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर कौन सा अंग प्रभावित करता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो शरीर का वो हिस्सा होता है जहां पर तीनों प्रकार के रक्त कोशिकाओं का जन्म होता है, ब्लड सेल्स, तीनों प्रकार के ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या करेगा, बोन मैरो को इफेक्टेड करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके कौन सा जो है परजीवी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है लिस्मैनिया डोनावानी। लिस्मैनिया डोनावानी परजीवी है ये जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, कौन सा वाहक है, तो वाहक में सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी जो है इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिम्टम इसका देख लेते हैं। सिम्टम इसका जो है तेज बुखार, ओनली सिम्टम इज द सीवियर फीवर, यानी कि तेज बुखार जो है इसका सिम्टम होता है। और भी बीमारियां जो है इससे संबंधित है, दो चार बीमारियां और भी है इससे संबंधित है जिसको मैंने यहाँ पर चार्ट में दर्शाया नहीं है क्योंकि कॉलम पूरा फुल हो जाता है, तो लेकिन आप समझिएगा ये परजीवियों के द्वारा होने वाले रोग यही सब होता है, ठीक है। एक बीमारी है जिसको हम लोग पेचिस के नाम से जानते हैं। पेचिस में जो प्रभावित अंग होता है वो आंत होता है। कौन सा अंग होता है, आंत, यानी कि इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन प्रभावित अंग होता है, और होता क्या है उसमें, उसमें जो है श्लेष्मा और रक्त के साथ चिपचिपा श्लेष्मा और रक्त के साथ जो है लूज मोशन होता है, यानी आंत जो है प्रभावित अंग है उसका, ठीक है। कौन सा परजीवी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कौन सा प्रोटोजोआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है दोस्तों, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। तो ये जो है ये जो परजीवी है वो पेचिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हमारी आंत को प्रभावित। सबसे पहले बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होते क्या है, मतलब जीवाणु जो है क्या होते हैं। जीवाणु एक सूक्ष्म जीव है। क्या है दोस्तों, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स। माइक्रोब्स होते हैं जीवाणु। इनके द्वारा कैसे वो बीमारियां होती हैं, ये कैसे बीमारियां फैलाते हैं, तो सबसे पहले ये आपको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इनके इनका जो आकार होता है वो 10^-8 10^-8 सेंटीमीटर रेडियस का होता है। रेडियस 10^-8 सेंटीमीटर रेडियस का होता है। ये आपके नंगी आंखों से के द्वारा जो है विजिबल नहीं होते, यानी कि दिखते नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जीवाणु होते क्या है या कैसे बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो जीवाणु जो होते हैं ये बहुत, मैंने बताया कि ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब दिखाई देते नहीं है, ठीक है। और आसपास के वायुमंडल में जो है हवाओं के माध्यम से या विभिन्न जीवों के माध्यम से जो है एक जगह से दूसरे जगह क्या होते रहते हैं, स्प्रेड होते रहते हैं, यानी कि फैलते रहते हैं, समझ में आया। अब ये जीवाणु कैसे जो है, देखिए जीवाणु की खोज जो है सबसे पहले किसने किया था, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, जिसको साधारणतः बोलते हो वान ल्यूवेनहॉक,
वॉन लिवेनहॉफ, एक ऐसे ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार जो है सूक्ष्म जीवों को देखा था, सूक्ष्म जीवों के शरीर को जो है माइक्रोस्कोप्स के द्वारा जो है देखा था, और इन्होंने ही बताया था कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, या फिर प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिनका जिनकी कोशिकाएं जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो, यानी प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो ये ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जीवाणु जो कैसे रोग फैलाने का काम करते हैं और किस किस तरह का रोग फैलाते हैं, किस किस तरह से, उन्हें हम चार्ट के द्वारा जो है देखेंगे। जो चार्ट आपके सामने मैंने रखा है, आइए देखते हैं, इस चार्ट से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बीमारी, प्रभावित अंग, जीवाणु और लक्षण, चार्ट में वही कॉलम है। बीमारी में सबसे पहले फिटनेस, फिटनेस जो बीमारी होती है इससे प्रभावित होने वाला जो अंग होता है वो है तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। कैसे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और ये करता क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार जो जीवाणु होता है उसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टीटी। अब ये करता क्या है, ये क्लॉस्ट्रिडियम टीटी जो है हमारे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जो है हमारे जबड़े को क्या कर देता है, बंद कर देता है, पूरी तरह से जबड़ा हमारा लॉक हो जाता है। जबड़ा खुल नहीं सकता है, आप बोल नहीं सकते हो, खाना तक भी नहीं खा सकते हो, दशा ये हो जाती है। शरीर में ऐठन, पूरे बॉडी में फोल्डिंग होने लगता है, शरीर में ऐठन हो जाता है, बॉडी जो है अलग अलग शेप में जो है ऐठ जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यही कारण है कि अगर किसी को टिटनेस अगर हो जाता है तो 48 घंटे के अंदर जो है उसको टिटबैक लगाना आवश्यक हो जाता है। अगर किसी को जो है पुराने जंग युक्त औजारों से अगर या जंग युक्त औजार है उससे अगर चोट लग जाए तो उसको 48 घंटे के अंदर टिटबैक जरूर ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे टिटनेस होने का खतरा रहता है, ठीक है। दूसरी जो बीमारी है उसको हम लोग कहते हैं कॉलेरा यानी कि हैजा, ये भी बहुत ही चर्चित बीमारी है। अब ये जो है कौन से अंग को प्रभावित करता है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, वो कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, तो विब्रियो कॉलरी बहुत ही फेमस है और ये कई बार पूछा भी गया है। विब्रियो कॉलरी जो है किस प्रकार की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है हैजा यानी कि कॉलेरा। अब इसमें होता क्या है, सिम्टम्स क्या है, लगातार दस्त लूज मोशन होगा और साथ में वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होगी, ठीक है, ये इसका सिम्टम होता है। टाइफाइड के बारे में देख लेते हैं। टाइफाइड भी एक ऐसी बीमारी है जब आपका तेज बुखार और सिर दर्द करता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक टेस्ट लिखता है जिसको हम लोग कहते हैं विडॉल टेस्ट, नाम है विडॉल टेस्ट, विडॉल टेस्ट। ये विडॉल टेस्ट जो होता है ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। इस विडॉल टेस्ट से ये पता चल जाता है कि जो व्यक्ति है उसको टाइफाइड है या सामान्य बुखार है। तो ये तेज दर्द और बुखार सिर दर्द जो होगा ये जो है टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीवाणु होता है उसका नाम है सॉल्मोनेला टाइफी, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला जो बीमारी है जिसको हम लोग क्षय रोग कहते हैं या इसे यक्षमा के नाम से भी जानते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस के नाम से भी जानते हैं, इस तरह के को कई नाम होते हैं इस क्षय रोग का, जिसे टीबी सामान्यतः लोग टीबी कहते हैं, टीबी के नाम से जाना जाता है। कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो वो अंग होता है कौन सा, फेफड़ा, फेफड़ा ये फेफड़े अंग को प्रभावित करता है यानी शरीर के अंदर लंग्स को प्रभावित करने वाला ये बीमारी होता है। कौन सा इस पे बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जो है बैक्टीरिया ये इफेक्ट करता है हमारे फेफड़े को। अब होता क्या, इसमें लक्षण क्या है, इसके बलगम के साथ खांसी आती है। अगर आपको जो है दो हफ्तों तक अगर लगातार खांसी आ रही है और साथ में बलगम भी आ रहा है, कभी कभी ब्लीडिंग भी आ जाती है, और आप जो है आपको ये प्रॉब्लम है, तो इस दशा में जो है आपको टीबी हो सकता है और आपको फिर जो है यानी क्षय रोग का जो है टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है। सरकारी अस्पताल में सरकार के द्वारा जो है इसका फ्री इलाज कराया जाता है जिसका नाम है डॉट्स, डॉट्स के द्वारा जो है टीबी को पूरी तरह से समाप्त भी किया जा सकता है। हमारे देश में जो है टीबी अभी वर्तमान में जो है लगभग पूरी तरह से समाप्त है टीबी अपने, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट में भी कुछ बैक्टीरिया से संबंधित कुछ और रोगों के बारे में जो है देखेंगे। चार्ट में दिखाया आपको, जैसे देखिए सबसे पहले डिफ्थीरिया,
डिफ्थीरिया जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है, इसके प्रभावित अंग जो है फेफड़ा है। कौन सा जीवाणु जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी। श्वास लेने में दिक्कत होती है, डिफ्थीरिया बहुत ही फेमस है। 2007 में जो है भारत डिफ्थीरिया फ्री हो चुका है, पूरी तरह से डिफ्थीरिया मुक्त हो चुका है। अब इसके बाद जो है न्यूमोनिया, ये अगली बीमारी है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है इससे द्वारा प्रभावित अंग जो है वो भी फेफड़ा ही होता है, और इसके जो जीवाणु है उसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, और लक्षण क्या है, बुखार, फेफड़े में सूजन। ठीक है, अच्छा अगला बीमारी जो है काली खांसी। काली खांसी को हम लोग वोपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा जो प्रभावित अंग है वो श्वसन तंत्र है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके द्वारा प्रभावित होता है। इससे जो इसको प्रभावित करने वाला जो बैक्टीरिया होता है, यानी ये बीमारी उत्पन्न करने वाला जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु जो होता है, उसका नाम है हीमोफिलस पर्टूसिस। यहाँ मैंने लिखा है हीमोफिलस पर्टूसिस, ये जो है काली खांसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसकी सिम्टम क्या है, काली खांसी के दौरान जो है वूपिंग कफ के दौरान जो है लगातार सिर्फ खांसी आती है, किसी तरह का बलगम नहीं निकलता है, सिर्फ लगातार खांसी आती रहती है। इसको हम कभी कभी सूखी खांसी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें डिफ्थीरिया जो है और काली खांसी, इन सबको लेकर जो है एक प्रकार का टीकाकरण बच्चों में किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं DPT का टीकाकरण। लिखा रहता है DPT का टीकाकरण, जो जन्म लेने वाले बच्चों को जो है 24 घंटे के अंदर जो है उनको देना रहता है DPT। DPT का मतलब हो जाता है डिप्थीरिया कोमा पर्टूसिस और फिर कोमा टी से होता है टेटनस। यानी ये तीन बीमारियों को जो है एक साथ टारगेट करने वाला, तीन बीमारियों को एक साथ ख़त्म करने वाला ये टीका होता है, जिसको हम लोग DPT कहते हैं। ये जन्म के 24 घंटे के अंदर जो है इसको, इस टीकाकरण को लग जाना चाहिए, जिसमें डिफ्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस नामक बीमारियों से निजात बच्चे को मिल जाता है। और हर एक महीने जो है एक टीकाकरण के रूप में भी इसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे बीमारियां बैक्टीरिया से होने वाली। ठीक है, अगली कक्षा में यही तक इसको समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम आपको फंगस और साथ में हेलमेंथिस के द्वारा होने वाली बीमारियाँ और साथ में वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो जितने लोगों को शेयर करेंगे उतने लोगों का भला भी होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।